तो कुछ सब्जियां खाने में हम हमेशा मुंह बनाते हैं, हमें पसंद नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिन सब्जियों से आप दूरी बनाएं वो आपकी सेहत के लिए अच्छी ना हो, बल्कि उनमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 सब्जियों के बारे में जो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है और जिन्हें खाने से पहले आप मुंह बनाते हैं। आप देख रहे हैं NBT लाइफ और मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम। जी हाँ, अगर आप ये 3 सब्जियां खाएंगे जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, उससे आपकी कई सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये कौन कौन सी सब्जियां हैं? लौकी, तोरई और सीताफल, जिसे हम कद्दू भी कहते हैं। ये तीनों ही सब्जियां ऐसी हैं जिसे खाने से पहले हम सब ऐसे मुंह बनाते हैं कि हमें पसंद ही नहीं है, लेकिन अगर हम ये तीनों सब्जियां खाते हैं तो इससे कई सारी बीमारियां हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए, इन तीनों सब्जियों के क्या क्या फायदे हैं और आपकी बॉडी के लिए कितनी फायदेमंद हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, लौकी से आपको मिलेंगे गजब के फायदे। लौकी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दें कि अगर आप खाते हैं तो कब्ज की शिकायत आपको नहीं होगी। अगर आपको ये दिक्कतें हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी डाइट में रोज़ लौकी शामिल कर लेनी चाहिए। इसके फायदे आपको इतने सारे होंगे कि आप समझ भी नहीं सकते। और अगर आप इसे हींग के साथ खाते हैं, यानी हींग का तड़का लगाकर खाते हैं, तो ये सब्जी एक तो टेस्ट में बेहतरीन हो जाती है और हींग के साथ इसका कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी को और भी ज़्यादा फायदे पहुँचाता है। वहीं तोरी से आप अगर परेशान हैं, दूर भागते हैं, तो आप समझ लीजिए कि रामबाड़ है, आपको इसे खाना ही चाहिए। ज़्यादातर लोग इसे खाने से बचते हैं। तो बता दें कि एक ऐसी हरी सब्जी है जिसके खाने से आपका पेट तो ठीक रहता ही रहता है, साथ ही साथ ये आपके दिल के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। आपके जो हार्ट बीट है उसको बैलेंस रखती है, आपकी BP की दिक्कत नहीं होती है, और जिन लोगों को कम भूख लगती है उन्हें भी ये खाने के बाद काफ़ी भूख लगने लगती है, यानी कि आपकी भूख बढ़ाने का काम करती है। तो तोरई एक ऐसी सब्जी है जिसे आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होगी और आपका दिल स्वस्थ रहेगा। वहीं सीताफल, इसे कद्दू भी कहा जाता है, भारत के कई हिस्सों में इसे कद्दू के नाम से भी जाना जाता है। इसे खाने से पहले भी लोग मुंह बनाने लगते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि एक ऐसी सब्जी है जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इसे खाते हैं तो उन्हें काफ़ी फायदे पहुँच सकते हैं, जैसे कि उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और इस सब्जी के जो बीज भी हैं वो भी उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाते हैं। वहीं जेंट्स में भी कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, अगर वो कद्दू खाते हैं तो उन्हें उन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। यानी कि जो लोग कद्दू के बीज फेंक देते हैं उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये जो सारी सब्जियां हैं इनमें काफ़ी भरपूर गुण मिलेंगे, यानी काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी बॉडी को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये तीनों सब्जियां नहीं खाते हैं तो आज से ही खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके पेट को तो हेल्दी रखते हैं, साथ ही साथ आपके दिल का ख्याल भी रखते हैं। और आपको जैसे हाइपर BP की टेंशन अगर होती है, या फिर आप ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, या भूख कम लगती है, तो ये तीनों ही सब्जियाँ आपके लिए फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। तो अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो वीडियो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले।